हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। पापा दिया कितना बढ़िया गीत माचर बजावत हुवन, बढ़िया गीत मास्टर संकेत गेलन गीत के। या गोरखपुर का जोरदार एक बिरहा जो बहुत लोग फिर से मांग कर रहे हैं इस बिरहा के। इसके पहले आपने सुना मेरी आवाज में हरिओ म्यूजिक से एक बिरहा आया था जिस बिरहा का नाम था शिवदास हत्याकांड। आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया इस धनंजय यादव को। फिर एक गोरखपुर के धरती का बिरहा प्रस्तुत है आप लोगों के बीच में। मास्टर एगो गीत बजावत हुआ सुबेदार भैया कोनो में हरारू सिंगार कई लेबा। सिंगारो कई प्रकार का होला। सिंगार ऊ निक लगेला कि जब देखले पर आदमी कह दे कि हाँ तो भाई मेहरारू बा टिकुली सटले बा। ओइसन फूहर मेहरारू रही हाली दे काम उम कह के यहाँ बड़की अंगुरी बोर के कजरौटा में दम गप दे मार दी है। ओके भोथर हवा काजर कहल जला लौरी के हुर्रा से लगावल जला। उ आ कौनो शौकीन किसी के मेहरारू माला सुषमा भारती ऐसन रही तो ऊ कजरावटा में सीकी से बोर के आ हिंदी वाला साथ बना दी। ओके मर कहवा काजर कह जला। मेहरारू सिंगार कई के चला थे कैसे मास्टर तो हर कजरा लगावल होई तोहर कजरा लगावल का होई जब देखी ना केहू दौड़ते तोहर कजरा लगावल लगल बिरहा का शुरुआत हमाशर कैसे बारे गोरखपुर की धरती। अगर हिंदुस्तान के नक्शे से केवल गोरखपुर का नाम निकाल दिया जाए इतिहास से तो इतिहास का पन्ना अधूरा हो जाएगा। मैं रहने वाला तो मऊ जिले का हूँ लेकिन जन्मभूमि मेरी मऊ जिले की है, कर्मभूमि में हमार गोरखपुर जिला का है। ये लिए गोरखपुर के धरती के बारे में हमने लिखा है आदरणी मन्नू यादव जी और राजन यादव जी। गौर करिएगा इस लाइन पे भूमिका पे कैसे एक एक अनोखा रत्न हीरा
प्रदीप। अरे पैदा किया है गोरखपुर की माटी, बंधु सिंह से लेकर के सहुआ कोल के कोमल, वतन यान खातिर हुई जिनकी फांसी, तीन तीन राज्यपाल मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, भारत भीम जनार्दन पंडलाल इतिहास, चाणक्य नीत में पंडित हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही थयवल से रखाती, सुनने वाले श्रोता बंधु, यह हरिओम म्यूजिक से मेरा बिरहा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। तमाम बिरहा कलाकार हरिओम म्यूजिक से तमाम कंपनियों से गीत गाते हैं, लेकिन यह धनंजय यादव हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नई चीज आपके बीच में भेजूं। एक बिरहा जो गोरखपुर का इतिहास हमने बताया, लेकिन गोरखपुर का दो ही स्तंभ, एक का नाम हरिशंकर तिवारी, पंडित हरिशंकर तिवारी, और एक का नाम वीरेंद्र प्रताप शाही। लेकिन उस जवान के बारे में यह कहानी प्रस्तुत है। एक लाइन गीत मातनी बढ़ के बजा दा मास्टर। अब कौवाली का गीत बाज और मास्टर संकेत कैलन। अरे तेरे दरबार का चल के, अरे करीना हम भी देखेंगे, शुरुआत हो गए लेजा से भाव लगल कैसे। तो जिला को नागपुर में गांव महुआ पार पड़ता है, बिरहा के शुरुआत भर परिचय हुआ। गोरखपुर जिला के अंतर्गत एक बड़हलगंज थाना है, थाने से सीधे 4-5 का 10 किलोमीटर आप पश्चिम जाएंगे, छोटी सी मार्केट है जिस मार्केट का नाम है महुआ पार। वहीं से कहानी का शुरुआत भल के रहल मास्टर बिरहा के शुरुआत बा। पितारमधारी मुन्नी देवी के अचरिया में लाल एकलौता पैदा हुए तब हो नहरिया में, जन्म 24 जुलाई, जन्म 24 जुलाई 47 आबाद हुआ, जन्म के 22वें दिन भारत वर्ष से आजाद हुआ। प्रथम शिक्षा शाही के 47 में जन्म हुआ, 24 जुलाई को वीरेंद्र प्रताप शाही का। भाव लगा मास्टर कैसे। प्रथम शिक्षा शाही के महुआ पर दिलावल गई ले, हाई स्कूल शिक्षा या बहन के घर आ गई ले,
हाई स्कूल शिक्षा अपने बहन के घर किए और धीरे धीरे वहां कहां पहुंचे, महुआ पार से बस्ती। बहन के घर जब पहुंचे बाबू, इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करना शुरू कर दिए, वहीं से गोल गुलैती का काम शुरू हो गया। आज जब गोल गुलैती का काम शुरू हो गया बाबू, तो उस समय पूरे पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश के धरती पर अगर किसी का आतंक था, किसका था? पंडित हरिशंकर तिवारी का। पंडित हरिशंकर तिवारी से वीरेंद्र प्रताप शाही का दुश्मनी तैयार हो गई। आज जब दुश्मनी तैयार हो गई ले मास्टर, देखते गीत का लाइन लगल। कौन गीत बा भैया? यही के कोई कोई गवैया गावे राजन भैया, कैसे हो? जैसे हमरे मन्नू भाई हुआ, कबो कबो दो चार दस दिन पंद्रह दिन के लिए चल जाना बनारस रिकॉर्डिंग करे, इनके में हरारू एकदम पगला जाले। तो हमरे मन्नू भैया का मलकिन कहली, का कहली मास्टर? अरे मलटरिया मारा जा, अरे भाई ला भरती हो जोत वैया बिना खेतवा, भाई परल बपारती हो जोत वैया बिना, लेकिन बात वहां है हरिशंकर तिवारी या वीरेंद्र प्रताप शाही में झगड़ा तैयार हो गया। आज जब झगड़ा तैयार हो गया उस समय भाव लगल का, अरे हरिशंकर तिवारी से अरे पड़ल फरक का हो ऐसे, शाही जी के नौआ के भा ये लचारा चा हो ऐसे, शाही जी के नौ एक तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही का गोल बन गए, एक तरफ हरिशंकर तिवारी के भाव लगल का, गोला गोलैती के ता बहन लागे आधी, गुरु और चेला लिहले गोलैया पन जो प्रेम था बारे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का और हरिशंकर तिवारी का, जब वहां विवाद बढ़ा बाबू, एक तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही अपना गोल बना लिए, एक तरफ हरिशंकर तिवारी बना लिए, दोनों गोल बना करके और उत्तर प्रदेश के धरती पर तहलका मचाने का काम शुरू कर दिया बाबू। दोनों गोल सज गई, कितना दिन तक गोल बनल बहुत बिरहार आप सुनते आए हैं मित्रों, ध्यान से सुनेंगे आनंद आएगा। क्या है नाम बाका? कुछ दिन चलल बा, कुछ दिन चलल दोनों चले में तू फंडावा, दस बरस बाद बढ़े लागलिया बप्रे बाबा, भाईला फरक का हूं दोनों।
अंतर मिट गल भी भाई। इधर शंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का धीरे धीरे प्रेम बढ़ना शुरू हो गया और हरशंकर तिवारी आकर के बड़हलगल चिल्लू पार विधानसभा से चुनाव लड़ गए और उधर वीरेंद्र प्रताप शाही बस्ती से जाकर चुनाव लड़ गए और दोनों जब चुनाव लड़ गए तो भाव लगा मास्टर तैसा गीत बा बढ़िया बाबू। उहे गीत के लाइन बा पहले छोटे छोटे लड़का जब फेरी चढ़ावे ये गीत के गावे सहता। अरे काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाली गाना से तर्ज से बढ़िया भाव विरहा में लगल का। अरे मन नहीं लागे बताही कया नीत में अरे यही से वीरेंद्र शाही कैला राजा नीत में अरे लक्ष्मी पूरा से लगाया दिए दा जीती गई ले चुनाव लक्ष्मी लक्ष्मीपुर विधानसभा से वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव लड़ गए। आज जब चुनाव लड़ गए तो भाव निकला क्या बात सर। अरे सन 81 और 85 में भी जीता ले अरे तो पर विधानसभा सदस्य होके घूमले अरे अब तक राजा नित में रहला पड़ा जीत गई ले चुनाव अब तक राजा नित में बाबू लक्ष्मीपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का काम किया वीरेंद्र प्रताप शाही ने। चुनाव लड़ने के बाद विजयी हो गए। आज जब विजयी हो गए बाबू तो उनका एगो चेला रह जौने का नाम बताओल गल श्री प्रकाश शुक्ला। अब चेला गुरु का लड़ाई अब ले तो हरशंकर तिवारी अब वीरेंद्र प्रताप शाही का लड़ाई अब चेला गुरु का लड़ाई। यहाँ गीत बदल गए कौन गीत बा भैया उहे गीत का लाइन बाकी जाए के अरे पारी का मेहरारू परेशान बा केकर मेहरारू अरे केकर बताई है परेशानी तो परेशानी है ना। कबो कबो हमरे सथवा हुआ तनी इनकी और कैमरा एक बार कर देता लोग अखिया इनका लोग जात ई आ कुंभकरण के दोनों जानी के एक के साथे जन्म भल ए भैया मेहरारू परेशान बा बतावा इहो शरीर न हो छेरी कुल लकड़ी खाली सा तो दुए महीना पर गरम हो जाली। आज आदमी मांस मछली दूध खात बा ओकर हालत का बा देश का विटामिन मेहरारू कहत बा का कहत बा अरे जो हम जनती वही ऐसा ना तू रखती आप तो तू आराम तार देती सखीरे हमका ऐसनी बुझत
अरे जाए के, अरे जाए के पारी का लगाता सखीर हम कैसन बुझाता। हाँ में भाव लगा मित्रों, कहानी आगे बढ़ गई। का भल मास्टर? अरे मेटती, अरे मेटती नहीं हो नहरिया हुशियरिया के हु के तनो लगावे, हरिया हुशियरिया के हु के तनो लगावे। समय कवन आयल गोरखपुर में वीरेंद्र प्रताप शाही घूम रहे हैं, तब तक हुआ क्या मास्टर? अरे कति समाचार का सुना तानी बतिया, अरे बोलियन से, अरे बोलियन से छतली शरीरिया। बारे भैया 31 मार्च को वीरेंद्र प्रताप शाही लखनऊ के लिए प्रयाण किए और लखनऊ इंदिरा नगर कॉलोनी में सुबह के टाइम वीरेंद्र प्रताप शाही अकेले घूम टहल रहे थे बाबू। और तब तक श्री प्रकाश शुक्ला और एक उसका नेपाली साथी था। शटर बंद है, शटर के पीछे बंद कोठरी में वह श्री प्रकाश शुक्ला माउजर लेकर हथियार लेकर बैठा है। और तब तक जो उस शटर के पास वीरेंद्र प्रताप शाही आते हैं, तब तक वह नेपाली आवाज दिया कि भैया आपका शिकार आ गया। शटर उठाया गया और निकला हुआ श्री प्रकाश शुक्ला और तर 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 गोली चलाना शुरू किया बाबू। दिन दहाड़े इंदिरा नगर कॉलोनी में वीरेंद्र प्रताप शाही को छलनी कर दिया। दोनों आंखें बाहर निकल गई बाबू, गिर कर धरती पर धीरे धीरे अपने दम को तोड़ दिए। जब वीरेंद्र प्रताप शाही मरे बाबू, पूरे पूर्वांचल में तहलका मच गल। आज जब तहलका मचलते एक थे टेरी के लाइन में भाव देख प्रतन बढ़ जा भैया। ये भैया पूर्वांचली सगरी, अरे धरा गमगीन हुई तब बाबा गोरख की नगरी। पीछे से गोली तब मारी दिहले खोपारी में, ये भैया बाहर निकाली गई। अरे शाही जी के आखी खोपड़ी में जब गोली लगल बाबू, नाच करके जमी पर गिरे वीरेंद्र प्रताप शाही। और जब गिरे बाबू दोनों आंखें बाहर निकल गई, धीरे धीरे अपने दम को तोड़ दिए उसी जमी पर। गिरने के बाद 12 वर्ष श्री प्रकाश शुक्ला संतोष नहीं हुआ, शंका है कि हो सकता है वीरेंद्र प्रताप शाही अगर जिंदा हो जाएंगे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। घूम गया, देखिए दिन दहाड़े तर 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 फिर गोली चलाने लगा। भाव लगा क्या? अगिरता जमीनी आप,
अरे गोली मारे लगा ले हो, अरे छलनी हो गईली तापा, अरे शाही जी के छाती, शरीर छिदा गए, हल्ला हो गए, पूरे पूर्वांचल तहलका मच गया कि वीरेंद्र प्रताप शाही को गोली मार दी गई। कौन गोली मारा? वहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का नाम हो गया कि श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही को गोली मार दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी छोड़े हाई दिखाया गवा का भले बाबू, जौने समय लखनऊ से लसिया बढ़लगंज के चलल बान, बाईपास चौराहे पर अब जाएंगे, संवाद पीसीओ है, आज भी वशिष्ठ दुबे की दुकान है, जौने दुकानी पर 70 वर्ष के उनका बाप वीरेंद्र प्रताप शाही का, जिनका नाम बताया गया रामधारी शाही, दो ठे लड़का वीरेंद्र प्रताप शाही के, जिसके एक का नाम है विवेक शाही और एक का नाम है शक्ति शाही। शक्ति शाही दोनों पैर का विकलांग, वीरेंद्र प्रताप शाही का दू को बस चले ली, जोने बस का नाम है शक्ति कोच, वही जा रामधारी शाही 70 वर्ष की अवस्था में कोनो गाड़ी वाले से डंडा जब पीट दे, ऐ साले पैसा दो। वीरेंद्र प्रताप शाही कहले रहना कि बाबूजी हमारा अगर गाड़ी रोक दे तो पैसा दे देवल करिहा लोग। 70 वर्ष के अवस्था में वह रामधारी शाही जब जलन की हमार बेटवा दुनिया में नहीं खे, वह राजनीतिक बेटा उतना बड़ा नामी बेटा वीरेंद्र प्रताप शाही, आज चारों तरफ तहलका मचल बा, बारे वो 70 वर्ष का बूढ़ा बाप रामधारी शाही एक छड़ी लिहले रोवत घरवा में से निकलन और रो के एक बात कहलन, कौन गीत बा मास्टर? उहे गीत के लाइन बाकी पाता रहा, लेकिन बड़ी ऊंची लाइन आज रिकॉर्डिंग हुई है हमारे छोटे भाई राम समुझ यादव की, जो बैठे हैं दिनेश पांडे बैठे हैं, हमारे ढोलक वाले विनोद शर्मा जी हैं, सुबेदार भाई हैं, सुपर गायिका सुषमा भारती बैठी हैं। एक लाइन या मेरा पत्रकार लोग निकाले थे उस समय दैनिक जागरण पेपर में निकला था, उस समय निकला, क्या निकला मास्टर? अरे सियारा के हाथावा से अरे सरवा मरैला ये रामा, सियारा के हाथावा से तरफ खबर फैल गए, चारों तरफ खबर फैलल बा, लाश आ गई बढ़लगंज, आज जब बढ़लगंज आइल बा उस समय भाव लगल का, रोत बा परिवार का लोग, बड़ी दयनीय हालत बा, भाव लगल का, रोबली दुलही नया जब बेटी के करे जावा, छोरी के परैला ये राजा, मेहरारू रोवत बा, दोनों बच्चा रोवत हुवन, सबसे दयनीय हालत उस बच्चे की है जिसका दोनों पाँव नहीं है बाबू, परिवार अपने माँ बाप का इकलौता वीरेंद्र प्रताप शाही लड़के थे बाबू, रामधारी शाही हाथ से वह छड़ी गिर गई, जमी पर गिरे वह रामधारी शाही, रोवत हुवन का कहलन, रो
अरे बाबू, चारों तरफ खबर फैलते फैलते कहाँ पहुंची है? पापड़ का लाइन बा मास्टर बाबा। कैसे बाबू? अरे सुने खबरिया, पूर्वांचल के बासी से रवा मारी गई ले। अरे गोरखपुर में छा गई, उदासी से रवा मारी गई ले। अरे गोरखपुर में सन्नाटा है, सभी कहते वीरेंद्र साहिब कहावा पे दबाता है। चारों तरफ हल्ला हो गए। जहां जौने विधानसभा से विधायक रहलन, वो विधानसभा का हालत देखा ताभल राम समझ भैया भाव लगल के छे। अरे तोहरा बिना माटी से रवा मारी गई ले। अब के दुखाबा महान की, अब माटी से रवा मारी गई ले। बारे भैया चारों तरफ तहलका मचलबा। आल्हा के लाइन में तरी भाव देव परल मास्टर। अरे रोबे दुलहिनिया चबो, ये भैया रोबे दुलहिनिया दुलहिन घर में से रोवत निकल कोसत बा भगवान की बारे भगवान हे मालिक, एक बूढ़ हमार ससुर हुआ, दूठे बच्चा हुआ, एक बच्चा हमार विकलांग बा, हम लेके कौने डारी जाई। दरवाजे पर भीड़ लगी है, वह लाश दरवाजे पर रखल बा। तब तक वह शक्तिशाही जो दोनों पैर से विकलांग है बाबू, घिसकते घिसकते पहुंचा अपने बाप के लाश के पास और लसिया पर टोवत बा। पापा, ए पापा, काला की काल हम चलिए पापा, लेकिन एक बात सुना। का कहत बा? बेटा शक्तिशाही विकलांग वाला रोवे पिराना। Come on!
ए भैया बड़हलगंज मुक्ति पथ पर जब लाश आई है, तमाम नेता, तमाम जनता और उस दिन बचपन के दोस्त पंडित हरिशंकर तिवारी, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। लाश को जौने समय छोटा बेटा वह विवेक शाही मुखाग्नि देने के लिए चला है बाबू, खड़ी की लाइन में भाव देना पड़ा। कैसे बाबू? घाट पे अरे आइल बालतिया जुड़ के तिरावा सभी कयाखिया ऐसे ऐसे लोग आए और गए। कहा जाता है जाना आना तो यह विधि का विधान है, सबको जाना है राम समझ भाई। आखिरी लाइन में भाव देना पड़ा। कैसे? गुरु बिहारी दुर्गणेश गुरु रामलाल मोर पावन चल गए जल्दी का कभी चला गीता सुहावनी रोवे लागल पूर्वांचल सगरी लिखला प्रेम के गठरी रोवे लागल पूर्वांचल का